काली बिल्ली रास्ता काटेगी अभी। अल्लाह रहम करे, डर भी नहीं दी। टेंशन तो नहीं है तू? डर भी अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूँ आपका भाई साद अहमद और आप देख रहे हैं साद के व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक भी। सुबह सुबह उठाऊँ बल्कि जुम्मे का टाइम उठाऊँ, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया। फिलहाल जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, तो वैसे ही लेट हो गया। आज का सीन कुछ इस तरह का है, तो मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको वहाँ जा के बताऊँगा। अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आऊँगा उसके बाद जाऊंगा। पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अभी 50-50 है। तो देखते हैं क्या सीन होता है, सीन बनता है इस्लामाबाद का कि नहीं बनता। आज बहुत शदीद गर्मी है, बाय गॉड। और इस गर्मी में मैंने अभी जमील स्वीट्स आना है, वो भी बाइक पे कुछ लेने। सामान वगैरह ले लिए खाने पीने का, यहाँ से जाऊँगा यहाँ से घर, उसके बाद जाएंगे इस्लामाबाद। गर्मी बहुत है, आज बहुत शदीद गर्मी लग रही है मुझे तो। पिछले 3-4 दिन से मौसम अच्छा था, लेकिन आज सही हैवी धूप निकली है। तो मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ और बहुत थक गया हूँ। मैंने इन ड्राइव पे मंगवाई तो आल्टो थी, लेकिन आई मेहरान, क्या कर सकते हैं आप। फिलहाल आया हूँ यहाँ पे। आने का मकसद ये है कि मैंने जाना है कल एक शादी पे, मैंने सोचा यहीं से चला जाऊँगा। और उसके अलावा भी 3-4 काम हैं जो करके कल परसों तक जाऊँगा घर। इस तरह घर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें तकरीबन इतनी खुली जगह हो, कुछ ज़्यादा ही है यहाँ तो। लेकिन सीमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, सीमेंट नहीं, यहाँ पे घास वगैरह होनी चाहिए, वो और खूबसूरती ना बढ़ा देती है घर की। अभी अभी मैंने एक बात नोटिस किया, यहाँ तो कोई बाउंड्री कोई नहीं है। लोगों को डर लगता है चोर डाकू ना आ जाए, यहाँ तो डर लग रहा है मुझे कोई शेर चीता ना आ जाए। चेक करो, जंगल ही जंगल है आगे पूरा। वाह क्या बात है यार। कहीं जा रही है नीचे। देखो आगे भी सारा कोई बाउंड्री नहीं है। कजन ने घर लिया अभी यहाँ पे नया, क्या बात है ना। देखो यहाँ पे शेड बनाया है, 3-4 गाड़ियाँ यहाँ आ जाए, और यहाँ तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आ जाए, इतनी मर्जी खड़ी कर लो। अंदर का जो होम टूर है ना वो मैं आपको दूंगा अभी नहीं, थोड़ा चाय पानी करके कुछ थोड़ा सुकून करके। सुबह का बस फिर रहा हूँ इधर से उधर, बहुत थक गया हूँ, नींद भी आ रही है अब तो, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। तो जितना आगे है ना जगह, उतनी जगह पीछे भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी जाते हैं जाकर अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं, पानी शानी पीते हैं, सुकून करते हैं। वो देखो कैनेडियन स्टाइल का, अंदर से भी चेक कर लो, क्या बात है यार। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है जिसमें किताबें किताबें नहीं है, बस कुछ चीज़ें पड़ी हैं, बैंड शैंड कपड़े चपड़े चार्जर वगैरह लैपटॉप। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठते हैं, हाँ बैठते हैं जी। मेरा पीछे ये जगह इतनी बड़ी भी नहीं है जितना मैंने कह दिया था। काली बिल्ली रास्ता काटेगी अभी, अल्लाह रहम करे, डर भी नहीं दी। टेंशन तो नहीं है तू? डर भी मैजिक। ब्लैक पेंथर लग रहा है चाइना का। क्या बात है यार, ये झूले भी हैं, पर ये एक बड़ा एक छोटा क्यों है? रात को तो यहाँ बंदे की वैसे ही 4 हो जाए। कहाँ बैठूँ, यहाँ बैठूँ?
तुमसे ना हो पाएगा। शाम हो गई है, बाहर बिल्कुल फुल अंधेरा हो चुका है और बड़ा खौफनाक सीन लग रहा है मुझे तो यहाँ से। फिलहाल आप भी चेक कराओ, ये देखो ये बस पीछे जंगल ही जंगल है। किसी टाइम मेरे पे कोई हमला हो सकता है, अल्लाह रहम करे। इतना भी नहीं है लेकिन एहतियात करनी चाहिए। अभी जा रहा हूँ मैं बाहर कहीं, दिल कर रहा है कुछ मीठा खाने का, कोई आइसक्रीम खाने का, कोई जेट स्पोर्ट फीस वगैरह खाने का। तो अभी देखता हूँ, कज़न फ्री है अगर तो जाते हैं उसके साथ, कोई कौन शोन खाने, कोई आइसक्रीम वगैरह खाने। दीवार चेक करो कितनी माशाल्लाह, कितनी ऊंची दीवार है ये देखो। The next day, गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई है। रात को मैं कब आइसक्रीम खाने गया और कब वापस आया, कोई होश नहीं था, इतनी नींद आ रही थी, आते साथ ही टोन बेहोश। अभी उठाऊँ, सुबह सुबह उठ गया 9 बजे और मौसम इतना कुछ जंगो हो रहा ना, चेक करो बारिश हो रही है, कतरा कतरा देखो मतलब बारिश होने वाली है अभी। और जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, मुझे नार्कोस वाली फीलिंग आ रही है, जिसने देखा होगा उसे पता चल रहा होगा, पाब्लो एस्कोबार वाली। ये देखो यहाँ पे एक गार्ड यहाँ खड़ा हो, एक वहाँ खड़ा हो, दो तीन वहाँ खड़े हुए हों, दो वहाँ खड़े हुए हों कुत्ते पकड़ के, तीन चार ऊपर खड़े हुए हों। यहाँ बैठूँगा मैं फिलहाल और मैं वो सामने से निकलूँ उस जगह से। देखो हाथ में सिगार पकड़ के, नहीं सिगार नहीं, कॉफ़ी का कप पकड़ के स्प्रिंग कर लो। चलो गार्ड्स ना हो, बल्कि गार्ड्स प्राइवेसी हर्ट होती है बंदे की, इस तरह बस सिर्फ मैं हूँ और ऐसा करो। तो वीडियो करते हैं यार यहाँ पे एंड। आज का एमओडी ये है कि जब भी इंसान अपने घर से बाहर निकले ना, किसी घर जाए या कहीं भी जाए, किसी काम से जाए, एक चार्जर ज़रूर रखे अपने साथ और एक इंटरनेट पैकेज, वरना बड़ा फार होता है। देखो पीछे मुर्गे भी बोल रहे हैं, उठा ले बंदा, रोस्ट कर लेंगे, बारबेक्यू करेंगे। वो कुत्ता ही बैठा है सामने, चेक करो नज़र ही नहीं आया मुझे, क्या बात है। सफारी पार्क आया हूँ मैं, या पाब्लो एस्कोबार के घर में, ठीक है जी। वो एक पूरा घर है, एक ही है मतलब, वो वहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हम मिलते हैं आपसे। एमओडी क्या तेरा एमओडी मैंने दिया ही नहीं, बल्कि एमओडी था ना ये, एक और एमओडी ले लो। ये ऐसे मैंने एक एडवाइस दी थी आपको, एमओडी ये आज का कि क्या तू यार, एमओडी याद नहीं आ रहा, शेर सुन लो चलो एक। वो जो मेरी नज़र में समा गया है, अपने बारे में सब बता गया है, ठीक है जी, उसको इश्क है मुझसे कितना, बातों ही बातों में जिता गया है। कैसा लगा, ये हमला ना करते हम तो, ये आवाज़ें यहाँ भी आती हैं यार, क्या बात है। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो पे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे अगर ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दरवाजे ऐसे खोले हैं जैसे यूरोप में रह रहे हैं।